जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, सबसे पहले तो उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनका एग्जाम होने के बाद फिजिकल भी क्वालिफाई हो चुका है, मेडिकल भी क्वालिफाई हो चुका है, और जिनका अभी तक फिजिकल नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि बिल्कुल इतना हार्ड नहीं है अब की बार फिजिकल। उम्मीद करते हैं कि आपका फिजिकल भी क्वालिफाई होगा और आप भी आगे की ओर बढ़ोगे। अब बात ये आती है कि जिनका पेपर फिजिकल और मेडिकल पास हो चुका है, क्या उनकी सीधा डायरेक्ट सिलेक्शन होगी या इसके बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है? ये तो बात आपको शुरू से ही पता है कि पेपर के नंबर और फिजिकल के नंबर, इन सबको मिलाकर बाद में क्या बनेगी, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जैसे पहले बनती थी। दोनों के नंबर कंबाइन किए जाएंगे और उसके बाद जितने भी बच्चे पास करेंगे जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उनमें से क्या किया जाएगा, जो बच्चे मेरिट में आएंगे उन बच्चों को फाइनल मेरिट लिस्ट में लिया जाएगा। बहुत से बच्चों को यही डाउट आ रहा था, सर हमारा फिजिकल मेडिकल पास हो जाए तो हमारी सीधा सिलेक्शन हो जाएगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। फिर से एक बार मेरिट लिस्ट और बनेगी वैकेंसी के आधार पर, क्योंकि हर एआरओ को वैकेंसी अलग अलग मिलती है, आप सभी को पता है, कहीं पर 400, कहीं पर 500, कहीं पर 550, हर एआरओ की वैकेंसी अलग अलग होती है और हर एआरओ की मेरिट लिस्ट भी अलग अलग जाती है। सबसे पहली बात तो ये, जिनका फिजिकल और मेडिकल पास हो गया है वो सभी के सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फाइनल स्कोर बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा कि आपके फाइनल नंबर कितने बने हैं, 160, 170, 150 और अपनी ट्रेड। जीडी के हैं तो जीडी वाले, क्लर्क के हैं तो क्लर्क वाले मैसेज जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें आइडिया पता चले कि उस एआरओ के अंदर मैक्सिमम स्कोर कितना आ रहा है बच्चों का, ताकि एक मेरिट का थोड़ा सा आइडिया सभी को पता चल सके। और जहां पर अभी फिजिकल नहीं हुआ है, जहां पर अभी रनिंग होने वाली है बहुत से एआरओ में, चाहे वो हरियाणा के हो, पंजाब के हो, हिमाचल के हो, अदर स्टेट के हो, वो सभी के सभी बच्चे जो फिजिकल हमारे साथ करना चाहते हैं हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आपको पता है यहां पर फिजिकल और रिटन टेस्ट बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करवाई जाएगी। और बहुत से बच्चों को यह भी पूछना था कि सर बोनस नंबर है वो जीडी वालों को कितने मिलेंगे, क्लर्क वालों को कितने मिलेंगे, टेक्निकल के लिए कितने रहेंगे और वो फाइनल लिस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे? भाई फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपके पास एनसीसी है, आपके पास स्पोर्ट्स है या फिर रिलेशन सर्टिफिकेट है, कोई भी ऐसी चीज है जिसके बोनस नंबर मिलते हैं, वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में जोड़कर ही मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो आईटीआई वालों की बात करें, भाई आईटीआई के जो बोनस नंबर है वो क्लर्क में मिलेंगे, वो टेक्निकल में मिलेंगे, लेकिन जीडी में आईटीआई के बोनस नंबर नहीं मिलेंगे। वो बोनस नंबर आपके जीडी में होंगे और टेक्निकल में होंगे, आईटीआई के यहां पर नंबर आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे जीडी में। इसके अलावा आपका एनसीसी वे सब ट्रेड्स के लिए होगा, स्पोर्ट्स का होगा, सभी में बोनस नंबर जुड़ेंगे। अगर रिलेशन सर्टिफिकेट है उसके भी बोनस नंबर सभी ट्रेड में जुड़े जाएंगे। अब बात आती है लाइसेंस की, लाइसेंस को भी लेकर बहुत से बच्चों में सवाल रहता कि सर मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? भाई इसका लाइसेंस का कोई भी फायदा नहीं है, आगे जब आप भर्ती हो जाओगे उसमें आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन यहां पर लाइसेंस के आपको अलग से कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। बस अपनी तैयारी रखिए और 100 नंबर का ग्राउंड तैयार रखिए, ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट के बिल्कुल करीब पहुंच सके और उसके अंदर आपका नाम आ सके। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय हिंद, नमस्कार।